मेटाबोलिज्म एक्सरसाइज यूरिया इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉजम इट्स कंसनट्रेशन इन इन द यूरन ब्लड एंड स्वेट है जो मेटाबॉलिज्म uh, के बाद आपके पास बाय प्रोडक्ट बन रहा है ऑब्बियसली वो इस बात को शो कर रहा है कि मेटाबोलिज्म हुई है तो प्रोटीन uh, मेटाबोलिज्म uh, को पढ़ने के लिए इसको इसकी कंसंट्रेशन को देखा जाता है ब्लड में स्वेट में यूरन में ऑल्सो द प्रेजेंस इन द यूरन ऑफ अ मार्केट फॉर मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन नोनेसरी मिथाइल हिस्टेरिन एमोडिफाइड ये सब चीज़ें हैं जिनके जरिए ये वो टेक्निक्स हैं वो चीज़ें वो कंपाउंडस हैं जिनको यूज़ करके इंकारपोरेट करके प्रोटीन के अंदर बॉडी के अंदर दिया जाता है और फिर बाय प्रोडक्ट्स में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में से देखा जाता है कि कितनी आ, हम जो है वो आउट हुई है कितनी प्रोटीन मेटाबोलाइज कर रही है बॉडी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देखते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती क्या है एसिड ट्रेनिंग दैट इंक्रीजिज योर मसल स्ट्रेंथ बाई मेकिंग योर मसल्स वर्क अगेंस्ट फोर्स और वेट मतलब वेट और फोर्स के जो है रजिस्ट करके जब आप इंक्रीज करते हो अपनी मसल स्ट्रेंथ को तो वो होती है रजिस्टेंस एक्सरसाइज रजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या करती है इट कॉज अ वेरी लिटल चेंज इन माइनो एसिड ऑक्सीडेशन बट प्रोबेबली डिप्रेसिस प्रोटीन सिंथिस एंड एलिवेट्स ब्रेक डाउन एक्यूटली ये ऑक्सीडेशन पे तो इसकी इतना रोल इसका नहीं है लेकिन ये क्या करती है ब्रेक डाउन को इंक्रीज कर देती है ऐसी ट्रेनिंग और सिंथेसिस को डिप्रेस कर देती है इन दिस रिगार्ड इवन सजेस्टेड दैट एक्सेंट्रिक मसल कंट्रेक्शन एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में प्रोड्यूस अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डैमेज दैट मे मीज स्टलेट दिस प्रोटीन टर्न वही बात है ब्रेक डाउन इंक्रीज हो रहा है फैक्टर्स रेगुलेटिंग मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स आर कंप्लेक्स एंड इंटरेक्टिव एंड प्रपोज दैट मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन इज पैराडॉक्सिकली एलिवेटेड इन एनाबॉलिक स्टेट फॉलोइंग मेन चीज इसकी यही आपने जहन में रखी है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ब्रेकडाउन इंक्रीज होगी और सिंथिस स्प्रेस होगी थोड़ा सा देख लेते हैं हम एरोबिक एंड एक्सरसाइज को पोट हैज़ हैजरे दैट ऑल द प्रोटीन मे बी यूज टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट बाउंस ऑफ एटीपी इन द मसल

जो सस्टेन uh, हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर ई ऑक्सीजन बढ़ती है मेनली बाय किस तरह बाय एक्टिवेटिंग एन एंजाइम एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है बी सी ए डीहाइड्रोजीनेस बी सी एस इज एक्चुअली ब्रांच चेन अमाइनो एसिड उसको uh, उसकी ब्रेकडाउन करने वाला दैट ऑक्सीडाइजिस बी सी एंड इंक्रीज अमोनिया प्रोडक्शन इन प्रोपोर्शन टू एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडेशन होगी इफ द एक्सरसाइज इज इंटेंस इन देर इज अ नेट लॉस ऑफ मसल प्रोटीन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कैटाबॉलिज्म और बोथ दोनों काम भी हो सकते हैं ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों भी हो सकती हैं या सिर्फ ब्रेकडाउन सम ऑफ द माइनसिट्स आर ऑक्सीडाइज फ्यूल एंड द रेस्ट प्रोवाइड सब स्टेज फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस वही सारा प्रोसेस चलेगा प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज मे बी कंपेयरेबल टू तो अ स्टेट ऑफ स्टारपेशन वो ऐसी ही स्टेट होती है जब आप काफ़ी देर तक मतलब एक ऐसी एक्सरसाइज करें जो काफ़ी प्रोलॉन्ग चल रही है उसमें ड्योरेंस आ जाती है तो वहाँ पर बॉडी एक, एक किस्म की स्टारवेशन की कंडीशन में चली जाती है एज दैंड्योरेंस एथलीट डिप्लीट्स द एंडजिनस कार्बोहाइड्रेट स्टोर सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट से अपनी एनर्जी ले ला, ले रहा होगा जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर बॉडी क्या है वो कैटा uh, कैटाबलाइज करना शुरू कर देगी प्रोटीन्स को एनर्जी के लिए या फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी इट वॉज ऑल फॉर टू लेक्चर विल डिस्कस अदर थिंग्स इन नेक्स्ट टिल देन अल्लाह हाफिज़